तू आ चुका है सबसे महंगे देश, जिसके लिए ना ही तेरे पास पैसे हैं और ना ही तेरे पास स्वेटर है। स्वेटर? हम कभी अंटार्कटिका वालों से कूलर मांगा है? उतने ही स्वेटर है हम मुंबई वालों के पास। हाँ दादी, आप एक दिन में स्वेटर बुन दोगे क्या? हाँ सिर्फ 24 घंटे है। यहाँ से निकला यही छोड़ दूंगी हम सारे का सारे। स्वेटर कहाँ मिलेगा? यहाँ के मकड़ों ने इंसान को 5 साल बाद देखा है। सॉरी कॉकरोच, तुम्हारा 5 BHK मुझे लेना पड़ेगा। ये कौन से जमाने की चीजें? महाभारत का धनुष मिल गया, स्वेटर नहीं मिला। भाई हम जहाँ जाते हैं प्रैक्टिस करके जाते हैं, और करोड़पति बनने का टोटका करके। अबे ये क्या, एयरपोर्ट के दुकानों का स्टॉक आया क्या पूरा इसमें? दबा के चटनी खा, इसके बाद तो उबला हुआ ही खाना है। वहाँ एक हफ्ते में जितना टेस्ट नहीं आएगा ना, वो आज ले ले पूरा। 2 डोसे 1000 रुपए। भाई मुंबई में ये हाल है, सबसे महंगे देश में क्या होगा? हम मुंबई से निकल रहे हैं इस टेम्परेचर पे, और डिज्नी मूवी देख के 6 लीटर आंसू बहाने के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे 10 डिग्री पे। कमजोर है भाई यहाँ के लोकल्स, इतनी भी कोई ठंड नहीं है, सबने स्वेटर डाल लिया अभी से। क्या हो गया भाई, बाहर आते ही ये क्या हो रहा है, पड़ गई? और अभी तो हम पहाड़ पे गए भी नहीं है, ये हाल है अभी। अरे देखेगा कैसे अब, ठीक है? ये देखो, और वहाँ बनियान, बनियान ज्यादा ही लोकल है। कहते हैं स्विट्जरलैंड के ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छे, आप हर जगह जा सकते हो। तो इस ट्रिप पे हमारा गोल है कि हम एक भी कैब नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन। भाई इतनी शांति क्यों है? पूरे ट्रेन में बात करना अलाउड नहीं है क्या? अबे भाई भी नहीं आ रही, गाना नहीं लगा सकते हैं, देसी गाने? कोई अंताक्षरी क्यों नहीं खेला? पहुंच चुका हूँ जहाँ का टेम्परेचर है 2 डिग्री। पहली बार पता चला कि एक आइसक्रीम को फ्रिज में कैसा फील होता है। आई फील यू ब्रो, आई फील यू। ट्रेन ने हमें कहीं तो उतार दिया है, और अब हम पैदल जा रहे हैं होटल, क्योंकि हमें कैब नहीं लेनी थी। नाक बह रही है, वो छुपाने के लिए मैंने मास्क पहना हुआ है। यहाँ एक आदमी नहीं है, ना पीछे ना आगे। रात के 12 बज चुके हैं। जैसे हमारी सर्बियन डांसिंग लेडी होती है, स्विट्जरलैंड डांसिंग लेडी भी होगी ना? इंडियन डांसिंग लेडी दिख गई, लेडी वाले स्टेप तो कर गवार। पर क्या है? माउंटेन के नहीं, वो प्लेन नहीं है भाई, वो क्या है वो? वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी हमें जाना है यहाँ, और मेरे को नहीं मन है जाने का भाई, कैब कर लेना चाहिए था। टॉर्च मार, चलो भाई। अरे भाई साहब, कहाँ बुक कर लिया है होटल? लाइट के पैसे नहीं है उस होटल के पास, हमसे तो ले लिए इतने पैसे, 2-4 बल्ब नहीं खरीद सकते? मुझे बताते भाई, घर से ले आता। क्या हो गया तुझे? हाय ठंडी। होटल बंद पड़ा है, घंटी नहीं बजाएंगे तब तक कोई नहीं खोलेगा। हेलो, खुद खुला ये टोर तो? हाय हेलो, नहीं बंद भी हो रहा है खुद ही। रुक जा भाई, मुझे आने दे, मुझे आने दे। ओ भाई मेरे रूम के मिल गए, यहाँ रखी हुई चाबी की, खुद करो सब। ओ भाई चलो, इतनी मेहनत के बाद 2 बॉटल फ्री पानी हैं? कोई पी तो नहीं गया ये क्या, कोई बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है क्या, जो खाली बोतल दे दी हमारे लिए? हाँ, टैप वाटर इज द बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो भर के रख देते, पैसे किस लिए दे, हम ही भरे, टैप वाटर ही भर देते, हमें क्या पता चलता। नहीं भाई, हम बोतल दे रहे, खुद जाके भर चल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्विट्जरलैंड इकलौती ऐसी जगह है जहाँ मैं खुश हूँ कि जेट स्प्रे नहीं है भाई, नहीं छिड़कना बर्फीला पानी वहाँ पे, सुबह सुबह इंजेक्शन जैसा लगता है भाई धोते टाइम। गर्मा गर्म कागज, एटलीस्ट कोजी तो फील होगा वहाँ पे, रजाई की तरह सॉफ्ट एंड नाइस। कल रात को जो भूतिया गाँव लग रहा था, वो दिन में ऐसा दिखता है भाई। अभी हम आ चुके हैं इंटरलाकेन, इसका मतलब है 2 लेक्स के बीच में ये सिटी है, इसीलिए ये नाम। देखा कितना लॉजिक है यहाँ के नामों में, हमारी तरह नहीं। चिंचपोकली, साकीनाका, क्या इसका मतलब क्या है भाई, ये तो मैं बोल भी नहीं सकता, इनसे सीखो थोड़ा। तू मेन रीजन तो बता, तू यहाँ पे क्यों आया है? तो स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड की वन ऑफ द हैप्पीएस्ट प्लेसेस बोलते हैं, मुझे लगा मैं भी शायद यहाँ पे आके थोड़ा हैप्पी फील कर लूं, IPL के टाइम पे स्पेशली। और बॉलीवुड के बहुत सारे पुराने गाने यहीं पे शूट हुए, इसी कैसीनो के सामने, इतने आइकॉनिक गाने। और यहाँ पे अब रील बनाएगी, तू रील बनाएगी यहाँ पे, पूरी जगह का इम्पोर्टेंस मार दिया। अरे भाई ये आइकॉनिक जगह है बॉलीवुड, रील जनरेशन ने बर्बाद कर दिए जगहों को।
बर्बाद कर दिया भाई। फीलिंग अ प्राउड मोमेंट के लिए आपको देखना चाहिए ये अम्बेसडर ऑफ इंटरलॉकिंग यश चोपड़ा जी का स्टैचू। ऐसे करना कि वो मुझे शूट कर रहे हैं, अभी मैं आ रही हूँ। ऐसे करना। एक्शन। अबे यहाँ भी रील वाला डांस चल रहा है भाई। हे भगवान, उनके मुंह पे देख, वो भी कुछ खास इंप्रेस नहीं लग रहे तेरे शॉट से। बोल रहे ये कौन सा एक्टर ले लिया भाई। और भाई कभी कोई स्टैचू के साथ फोटो लेनी होती है ना तो इतना दूर से लेते हैं, पर हमारे लोग कंधे में हाथ डाल रहे हैं, यश चोपड़ा जी के हाथों में हाथ डाल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड है जैसे ही है उनकी। अभी हम वहां जा रहे हैं, वो ऊपर जो कल रात को हमें लाल लाल जलता हुआ दिख रहा था कि वहाँ है क्या भाई। भाई ये कहाँ भूतिया ले जा रहे हैं। तो ये दिख रहा था रात को हमें एक रेस्टोरेंट। कौन आदमी था भाई जिसको लगा कि अब ये खाना खाते हैं वो थोड़ा ऊपर जाए। लेक वन, लेक टू, इंटरलॉकिन, ये है मेन स्पॉट जहाँ से पूरा इंटरलॉकिन दिखता है। और यहाँ एक गाय होनी चाहिए थी जो अभी है ही नहीं। यहाँ गाय रहती थी। व्यू तो देख ले कितना अच्छा है। गाय गाय लगा मेरी गाय। अरे थोड़ा प्रॉपर स्माइल कर। अरे स्माइल, अरे ठंड में ऐसी स्माइल निकलती है भाई। गाय का मर्च भी है पर गाय हटा दी। गाय का है यहाँ डाल दिया भाई। गाय को घुमा के रख दिया उसको। क्या पनिशमेंट दे दी क्या, उधर मुंह करके खड़े हो जैसे क्लास में देते थे। हमारे टाइम आते गाय ही हटा दी। गाय देखने तो आए थे तो सेल्फी प्लान किया था ऐसे रखूंगा गाय पे। बाल्टी भर के चीज दिया हमें, ब्रेड दिया है कच्चा और उबले हुए आलू। भाई चूल्हा भी जला दिया नीचे, इसका तो छिलका भी नहीं निकाला। यहाँ हमें इंग्रेडिएंट्स दे दिए, खुद कुकिंग करें, हम खुद आलू छीले खुद खाएं। ऐसे देखे आप आते हो पर काम आप ही को करने सारे। ये दिन आ गए हम रेस्टोरेंट में आलू छीलेंगे। अभी प्लेट गंदा मत कर, पता चला हमसे धुलवाएंगे बाद में। आलू लिया, एक किलो चीज। कैसा है? What's that? इसमें पक्का दारू है। दारू? वैसा टेस्ट आ रहा है दारू जैसा। एक मिनट, तुझे दारू का टेस्ट कैसे पता? पकड़ गया आंटी। अरे मम्मी ने पिलाया। मम्मी ने पिलाया। आज हम जाने वाले यहाँ के मेन पहाड़ पे जिसके एड पूरे स्विट्जरलैंड में लगे हुए हैं कि भाई यही बेस्ट है, टॉप ऑफ यूरोप। और वहाँ जाने की बेस्ट टाइमिंग की ट्रेन और टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक कर लिए। हेड आउट, सीधा स्कैन एंड एंटर। अब हम केबल कार से और ऊपर जाने। बर्फ आना शुरू हो चुकी है। डियर बाइसेप्स की एटी दिख गई भाई। वो एटी है लिटरली पहाड़ काट के उसके अंदर से लेके जा रहे हैं। पत्थर है सारे बाजू से। वेलकम टू द टॉप ऑफ यूरोप गाइज। हम फाइनली पहुंच चुके हैं यूंगफ्राउ। और ये हमारा व्यू नहीं है, व्यू दिखाता हूं मैं आपको। तीन ट्रेन बदल के हम ये देखने आए। बढ़िया व्यू आ रहा है गाइज। क्या व्यू है भाई। ये अच्छे दिन पे ऐसा दिखना चाहिए और बुरे दिन पे ऐसा। सफेदी निर्मा से नहीं बर्फ से आ रही है भाई साहब। कुछ ज्यादा ठंड रख। अबे इन्हें ठंड नहीं लगती क्या भाई? हवा ना यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रही है। आप नीचे देख भी नहीं सकते। अभी देख देख नीचे देख। अरे बाप, तेरे नाक से घी निकलने वाली है। क्या हुआ है तेरे आँखों को? बहुत गर्मी यार समर में। अप्रैल तो बहुत अच्छा महीना स्विट्जरलैंड में गाइस। समर तो क्या मतलब, बिकिनी पहन ले अभी उधर। क्या देखना था और क्या दिखा। ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। वर्ल्ड का पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस पे यहाँ है। शर्मा जी के स्पेशल समोसे खाते खाते और हो जा भाई। आलू डालते थे ना समोसे में, यहाँ कुछ और डाल रहा है क्या? 900 रुपए के बेच रहे हैं भाई, ये तो नहीं आएगा, कंगाल जरूर हो जाऊंगा मैं। एकदम कड़क चड्डी फाड़ चाय, चड्डी फाड़। भाई चार तो मैं लाया हूँ ट्रिप के लिए, उसमें से एक तुम चाय के नाम पे फाड़ दोगे। पैसे दे के कौन फड़वाता है, पहन पहन के खुद ही फट जाती है। फ्री में चाय मिल रही है ना बदले में। ये अलग ही गाना गाते है भाई की एक गर्म चाय की प्याली हो, एक चड्डी को फाड़ने वाली हो। स्विट्जरलैंड में हम भर के बहुत एक्टिविटीज करने वाले। और ये ट्रिप की सारी बुकिंग
हमने की है हेड आउट से। पिछली सिंगापुर ट्रिप के बुकिंग्स इतनी इजी थी कि सोचा दोबारा कर लें। हेड आउट से हमें कहीं भी लाइन में नहीं लगना पड़ा और यहाँ मिलते हैं बेस्ट डील्स, डिस्काउंट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट डे, अननोन हिडन जेम्स के भी। 10-15 मिनट में पूरी ट्रिप की बुकिंग्स हो जाएंगी, इतना यूजर फ्रेंडली है। और यहाँ का मौसम और आपके घर पे परमिशंस का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए टिकट्स इजीली रीशेड्यूल और कैंसिल भी हो जाती है। प्ले P10 कोड यूज करने वाले फर्स्ट 100 लोगों को मिलेगा 10% ऑफ ऑन एनी हेड आउट एक्सपीरियंस। अरे अब हेड आउट ऐप खोलो और नए एक्सपीरियंसेस देखो और बुक करो। क्या बात है, वही मैं सोच रहा था उधर ये कांड किसने किया है, तू ही थी। अब ऊपर आने के लिए तो ये था, पर अब नीचे जाने के लिए मुझे नहीं उड़ना। हम कितने एस्थेटिक लग रहे हैं, शवारमा दुकान में चिकन को ऐसा ही फील होता है। क्या यही छोड़ देंगे क्या? शिट, मेरी फट रही है भाई, भाई मुंह निकल जाएगी, प्लीज नीचे से हट जाओ, बेहूदी शक्लें। भाई चिड़िया के लिए इज्जत आ गई, बंद कर दो। भाई तू क्या कर क्या रहा है? अबे RCB का मैच देख रहा हूँ, उससे सर अपने आप गर्म हो जाता है। चलना, आधा पहाड़ तो उतर गए और बचे हुए आधे के लिए केबल कार है तो उससे क्यों नहीं नीचे जा सकते, पहले वो पंछी बना दिया अभी ये। ट्राई कर, कुछ नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स तो उस खाई से गिर जाएगी और क्या होगा। 90 डिग्री डाउन है ये तो, और मैं तो जाने की फिराक में हूँ। क्रैम्प आया हुआ है फीट में, और ये हम सारी रेसे हारते हुए, सारी रेसे हम हार चुके हैं। एकदम थंबनेल लायक लग रहा है, अच्छी है। पहाड़ आने से यहाँ भाई हेलमेट भी नहीं होता तेरे से, मेरे लिए बना ही नहीं है यार ये, परफेक्ट तेरे लिए बना है भाई। शक्ल भी छाप दी है तो आईडी के बेसिस पे दे रहे क्या? तेरी पासपोर्ट फोटो यहाँ कैसे लग गई? दांत दिखा, अरे तेरा ही है भाई। एक मिनट दिखाना एक बार अपना ये जैकेट उठाना। अबे साइकिलिंग इतनी भी टफ नहीं थी कि तू पैंट में हग दे। इसके बाद भी इसको फोटो खिंचानी है, धूम टू स्टाइल में लेना। अगले धूम में सुना था जैकलीन आएगी, यहाँ तो लैटरीन आ गई। चलो भाई, सारे देश दूसरे देश वालों को हमने हरा दिया, हम टॉप पे है भाई, हम टॉप पे भाई, हम टॉप पे भाई। ए, 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 पागल, ए, 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 ए। बचा ले। टॉपी मार रही है भाई साइकिल लेके, मैं अब तेरे पीछे चलने नहीं वाला। तो गाइस हम ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं, और गौतमी यार, गौतमी के पैंट के निशान तो दिख गए पर वो अभी तक नहीं आई, कहाँ है? वाव, क्या फास्ट चला के आई भाई तू, भाई स्पीड ऑफ साउंड हो गया ये तो, अरे स्पीड ऑफ लाइट। अभी जस्ट हम एक पिज्जा और पास्ता खा के निकले हैं, और उसका टोटल बिल कितना आया था? अराउंड 6,000 रुपए, ऑलमोस्ट टच। पेटर ने जाते समय बोला थोड़ा टिप मिलेगा क्या? अब मैं क्या करूं भाई, मैंने बिना सोचे ऐसे 5 दबा दिया, 5 छोटा नंबर होता है ना, हम तो रुपीज के हिसाब से सोचते हैं। 5 फ्रैंक्स दे आया मैं टिप, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 500 रुपए में टिप दे के आया हूँ। 500 रुपए, इतने में पूरा खाना हो जाता है इंडिया में। टट्टी किधर है भाई, टट्टी किधर है? अरे भाई मैं तो लटकने आया था, ये तो गेट ही बंद है, पे लटकना पड़ेगा। ए भाई मैं छपरी, इस शहर में रहने वाले सब पे थू है। थू? क्या कड़क धूप है भाई, आज तो परफेक्ट दिन होगा पहाड़ पे जाने के लिए। माउंट टिटलिस, मौसम सुहाना, ब्लू ब्लू स्काई, और हम जा रहे सीधा वही साफ जगह, ये होता है मौसम। समर, बहुत गंदा वेदर है, कुछ नहीं दिख रहा, नीचे से कुछ कैसा भी लगे, ऊपर आते आते पूरे अलग ही दुनिया। कहाँ गया वो सन, कहाँ गया वो ब्लू स्काई, समोसा की स्मेल आ रही है यार, ये क्या हो रहा है? फीलिंग प्राउड इंडियन, वाओ वाओ बॉलीवुड मूवी, यस। क्या कर रही ए भाई, भाई गाली पड़ेगी, ए गाली दो। मैंने शाहरुख खान के साथ बर्फ में खेला हुआ है, तुम लोगों ने खेला है? अंकल बैग में ये, अरे वाटर, कुछ पर्स रखने की जगह नहीं अंकल, दो दो वाटर लाए। हम ऐसे ही स्वर्ग पहुंचे, अंकल कोई और ही स्वर्ग पहुंच गए भाई। ऊपर आते आते स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बदल जाती है, नीचे और ऊपर आते जाऊ छू करू छू। यहाँ आंटिया आती है बहुत सारी बॉलीवुड हीरोइंस के सीन रिक्रिएट करने लाल साड़ी में। आंटी सीन रिक्रिएट करने आई थी पर मौसम ने धोखा दे दिया, ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं लग रहा। बाहर जम जाते तो ये आंटी अंदर ही। शिट यार मैं अपनी साड़ी लाना भूल गया। नो मैन तो सब लोग बनाते हैं पर हमें ना पापा की बहुत याद आ रही है, तो हम स्नो पापा बनाएंगे। पापा के लिए मेन स्ट्रक्चर है, पहले बेस में बड़ा सा तोंद चाहिए। ये
फेस अच्छा लग रहा है। हाँ। तो पापा की याद दिला रहा है। ये उनकी छाती चौड़ी हो गई ना जब से तू यूट्यूबर बना है। यूट्यूबर बन के जो छाती हुई है उनकी। ओके एक्यूरेट पापा। यूट्यूबर बनने के बाद उनकी छाती यूट्यूबर बनने के बाद उनका सर झुका ही रहता है। पापा वैसे ही प्राउड नहीं थे आज और सर नीचे कर दिया तूने। ये क्या है यहाँ तक कि खड़े रहे। ये 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए ये क्यों है तेरे पॉकेट में। अरे पापा ये कैसा चश्मा लग रहा है पापा। पापा तुझे नीचे देख के चक्कर आ रही है ना। बहुत ज्यादा। अभी तेरे को ब्रिज पे लेके जाऊंगा। तो ब्रिज पे ही है ये ब्रिज माउंटेन की एज पे। अच्छी फोटो ले लियो भाई। इसका नाक लाल हो चुका है, इसके होंठ काले हो चुके हैं, इसके हाथ जम चुके हैं और एंड तक जाना बाकी है। नीचे देख, ये रिस्क सिर्फ तुम लोगों के लिए ले रहे हैं वरना हम आधे रास्ते में मुड़ चुके होते। अपना नाम बोल के दिखा ना। अभ्युद तेरा नाम अभ्युद नाम चेंज करवा ले भाई। हमने फ्रिज पूरी कर ली। आइसक्रीम मैं सॉरी बोलता हूँ, कभी कभी मैं तेरे को नहीं डालूंगा भाई फ्रिज में। मैं कभी बुटका वाला हूँ हो गया भाई मुकेश ऑन गया यहाँ। हम सब पिघला के खाएंगे। फोटो लेते हैं ना लोग यहाँ पे। वाओ कितनी कूल पागल, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सनी डे पे आना गाइस, मीटियो से देख के ही आना। नीचे से कितनी भी धूप लगे हिम्मत आना। संन्यास लेना तो पहाड़ों पे लेंगे। नहीं लेंगे भाई नहीं लेंगे, मैं संन्यास नीचे जमीन पे लूंगा। चल आ जा ओए, कुछ गरम चाय पानी ढूंढते हैं। स्टे कूल एंड ईट एन आइसक्रीम। स्टे कूल आइसक्रीम बार। अबे चाय बार नहीं है, फायर बार, गर्मी बार, हीटर बार नहीं, आइसक्रीम बार। आज मैं गाली दूंगा, फैमिली फ्रेंडली चैनल है तो भी गाली दूंगा। यहाँ ठीक है, काफी नीचे आ गए जहाँ गंदा पुराना बर्फ पड़ा है। ओ गीला हो गया मैं। शिट मेरी पैंट रोको। ठीक है क्या पीछे से? हाँ बिल्कुल ठीक है यार, एकदम सूखा ये ना चल जाएगा ना पूरा दिन। हाँ पूरा दिन तो ये तो नहीं सोचेगा हक दिया मैंने, मुंह दिया ऐसा लगेगा। ये ना ये बैग रखो यार, इसको पकड़ो। ठीक है क्या कर रहा है, इसको यहीं छोड़ दो, कोई नहीं जा रहा। रेडी फॉर द रेस। अरे मैं तो उल्टी जा रही। शिट बहुत आगे निकल गई, अभी ओवरटेक करना पड़ेगा। क्लियरली हार चुके हैं, देखते हैं। थ्री पॉइंट हाय। डबल गीला था, ट्रिपल गीला हो गया। एंगल तो देखो गाइस, पापराजी लोग डालते ना गेस हु। मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ, इसी से उम्मीद है मुझे। फेयर होगा, दोनों का सेम है। दोबारा बैठो, मैं तो जा रही हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टेढ़ी क्यों जा रही है? लात क्यों मारी? जल्दी वहां से हटो। दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई है। ट्रक का ड्राइवर जो है वो ट्रक में ही फंसा है। कोई रैंडम इतना धीरे चल रहा है, ये पता नहीं आज के दिन पहुंचेंगे कि नहीं घर। गाइस गीली कच्ची पहन के पूरा दिन मत घूमा करो, खुजली हो जाती है, रैशेस पड़ गए। बर्फ में जा रहे हो तो एक्स्ट्रा चड्डी कैरी करो। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई रोज रोज इतना ट्रेन से कैसे जा रहे हो, इतने टिकट पे खर्चा। भाई नहीं, हमने एक स्विस पास ले लिया था जिससे आप अनलिमिटेड कितनी बार भी ट्रेन बस बोट जा सकते हो। सारे म्यूजियम्स की भी एंट्री फ्री है उससे। तो जितने दिन का पास आपको चाहिए आप उतने दिन का ले सकते हो फ्रॉम हेड आउट। आज हमें स्कूल बस में बैठा के ये आंटी घुमाएगी, आज पूरे दिन हमें इस झंडे को फॉलो करना है। इसमें लिखा है बेस्ट स्विट्जरलैंड टूर, अब देखते हैं बेस्ट है कि। आंटी तो बेस्ट नहीं लग रही, पर ऐसा नहीं बोलते। बेस्ट आंटी, बेस्ट है आंटी, बेस्ट है। नेचुरल झाग बन रहा है भाई यहाँ तो, यहाँ नीचे निर्मा। अरे हम पे चीटे उड़ रहे हैं, अरे पूरे कैमरा पे उड़ गए। 20 किलोमीटर दूर हमें बस से लेके आए हैं आइसक्रीम खिलाने। नहीं नहीं कट नहीं कर सकती यहाँ लाइन, हेलो। ये गोरेगांव स्टेशन में रेलवे टिकट की लाइन नहीं है जो कट हो जाएगी। मैंने जस्ट देखा कि वो टूर गाइड वाली आंटी अपना कप लेके चली गई भाई, और उनके इसमें थे 3 स्कूप अलग अलग फ्लेवर के और ऊपर से क्रीम भी हो। अबे आंटी को पर्सनली मन था आइसक्रीम खाने का, तो पूरे बस को तो नहीं रोक दिया यहाँ पे। तो मैंने लिया है 2, इन्हें लिया चॉकलेट।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। योगर्ट फ्लेवर लिटरली लग रहा है दही खा रहे। कटवा दिया आंटी ने हमारा। गाइस पूरी बस भर चुकी है, हम सब आ चुके हैं, पर सिर्फ हमारी मेड गाइड आंटी अभी तक आई नहीं है। मुझे लगता है वो एक और बार लाइन में लगी है, थोड़े और आइसक्रीम के स्कूप से। आ जाओ यार आंटी। यहाँ पहुँचने से पहले आंटी बोल रही थी मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल। इतना मोटा कमीशन मिल रहा है ना, ट्रांसफर करने में 2 घंटे लग रहे हैं। आ गई आंटी। भाई आंटी ने आज तो डेजर्ट ही डेजर्ट खाया है। देखो बैग में और भर रखा है, बैग में कैश है कमीशन का। बस कर बस। व्हाइट पैन के आइसक्रीम खाने की हिम्मत, वाव। दांत अच्छे हैं। तो हम आज आ चुके हैं ज्यूरिख, जो इतने अमीर है कि इनके नाम में ही रिच आता है। यहाँ पे फेमस है इनका ये पानी, यहाँ पे आप लिटरली कहीं से भी अपने बॉटल में पानी भर सकते हो क्योंकि हर जगह पानी पूरा साफ है। ले मुद दिया थारे कैंटारो पे, और ठंडा भी। ज्यूरिख वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर है। यहाँ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बाल भी तो कटवाओगे ना, पर यहाँ के प्राइसेस नॉर्मल हेयर कट 30 फ्रैंक यानी 2,700 रुपए का हेयर कट। भाई बाल काटने थे जेब नहीं, अनुपम खेर के बाल ना उग जाने चाहिए 2,700 रुपए में। आलू 200 रुपए किलो, इतने छोटे से टमाटर 400 रुपए किलो। ये क्या कर रहा है तू? अरे दोस्तों ने बोला था स्विट्जरलैंड से कुछ महंगा लाना है तो ले रहा हूँ भाई। मेरे दोस्त बस पैसा कमा, क्योंकि ये दुनिया झुकती है नोटों को देखकर। सारे खरीद लेते हैं तरबूज। और यहाँ का मैकडी मैक वेजी 600 रुपए, राइस 450, 650 का हैप्पी क्या सैड मील। चुपचाप मैगी बना ले, इसी में गरम पानी डाल के खा लेंगे, हमसे नहीं होगा यहाँ का कुछ। 100 रुपए का है। एक ही बांट लेंगे। हाँ, 50 रुपए में खाना हो जाएगा। 50 पर परसन। और अगर आपको फ्री में टूसना है तो आप किसी भी महंगे स्विस चॉकलेट दुकान पे चले जाइए, जहाँ आपको खरीदने से पहले हर एक चॉकलेट फ्री में ट्राई करवाते हैं। तीसरा पीस है, ट्राई करने के नाम पे पेले जा रही है। बड़े बड़े पीस दे रहा है तो इनके सामने नहीं बोलना कि अच्छा लगा, तो देना बंद कर देंगे, बोले खरीदो। क्रिस्पी राइट। गौतमी इनसे गप्पे मारने में प्रो है भाई, बातों में उलझा उलझा के और चॉकलेट निकाले जा रही है, मेरा पेट भर गया। कभी भी महंगी दुकान सोच के डर के सनी कि जाना ही नहीं, जाओ फ्री में ठूस के आओ और बोल दो मजा नहीं आया और निकल जाओ भाई। प्यास लग रही है और ये अमीरों वाली जगह पे कहाँ मिलेगा पानी? किसी भी लग्जरी शॉप में सामान देखने की एक्टिंग करो, वो पानी खुद परोस देंगे। ये मेरा दूसरा ग्लास है। हाँ भाई रेगिस्तान से है क्या, चल तो लेना पड़ जाएगा कुछ। ये है स्विस बैंक, बैंक्स का इनकॉग्निटो मोड। जैसे इंडियन आंटी अपने ब्लाउज में पैसे छुपाती है, इंडियन करोड़पति यहाँ अपना पैसा छुपाता है, स्पेशली काला पैसा। अरे यार मैंने अपने घर के पिगी बैंक में इतने पैसे जमा किए थे, लाना भूल गया। अमीरों का काला पैसा यहाँ हो गया सफेद, स्विस बैंक। पैसों का फेयर एंड लवली। और पता नहीं क्यों स्विट्जरलैंड में फेमस है उनके चाकू, स्विस नाइफ। मम्मी मैं आपके लिए चाकू लाया था कि आप और देर किचन में ही रहो। मार पड़ेगी भाई, चाकू कौन खरीदता है? लिमिटेड एडिशन क्या होता है चाकू में यार, काट से तो सारे वैसे ही है, इससे मैं क्या क्या काटूंगी भाई। और स्विट्जरलैंड के सबसे फेमस है यहाँ के स्विस वॉचेस, रोलेक्स से लेके महंगी महंगी वॉचेस, और हम लेंगे। ये तेरे हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी यार, ये पहन के स्टार्ट लगूंगा। फास्ट ट्रैक नहीं दिख रहा, फास्ट ट्रैक है क्या कहीं? हम भी कुछ खरीदे फास्ट ट्रैक। सब खुजा ही रहे भाई, वो कितनी खुजली होती है, दो लोगों एक दूसरे की खुजली कर दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा। अब शहर घूमना है हमें, कैब है बहुत महंगे, तो हम आ चुके हैं साइकिल पे। मस्त हमने चलाई साइकिल, और 14 मिनट साइकिल चलाने का 7.5 ऑलमोस्ट 700 रुपए मुझे साइकिल का लग गया। हम बोट पे आ गए, बोट। भाई ये साइकिल और सबसे सस्ती है। 3-2। अरे टूट ना जाए। अरे भाई कितना भी जोर से मारो इतनी स्पीड पे चलती है। गरीबी में हमें यही जुगाड़ मिला। भाई मैं देखो खुजा के दूंगा, तू इधर आ। इसको क्रॉस करने दे, टच होने वाली है। अरे तू देख कितना शांत है और मेरी हालत देख। ए चीटर, अरे ये स्विम करके जाना था साले, इतना फास्ट साले स्विम करना था, तुम तो रेस के रूल ही बदल दिए भाई। चेक कर लग रहा हूँ कूल। ओ लड़कियाँ पागल हो गई भाई, ओ लड़कियाँ पागल। वो ये तो डीप लहरें बना रहे हैं भाई, हमारे पास लाइफ जैकेट भी नहीं है। नहीं भाई नहीं, हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं, लाइफ जैकेट नहीं। मुझे वॉशरूम जाना है।
नहीं यार अब यहाँ ये पानी हम पीते हैं। आइए यार मुझे वॉशरूम जाना है भैया, टाइम प्लीज। यार बहुत भूख लग रही है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है क्या कि थोड़े से पैसे में पूरा अनलिमिटेड खाना खिला दे, देते रहे खाना बस, बुफे जैसा ना। तो हम सीधा इस बार स्विस चॉकलेट की मेन फैक्ट्री में ही घुसा है। लिंट होम ऑफ चॉकलेट। तो कैडबरी क्या है, ससुराल ऑफ चॉकलेट। पूरा फाउंटेन लगा रखा है चॉकलेट का। हेड आउट पे स्क्रॉल करते करते हमें इसके बारे में पता चल गया, वरना तो पता ही नहीं होता कि यहाँ ये सब भी है। इतना इन्फो इन्फो क्या दे रखा है भाई, जल्दी वो अनलिमिटेड खाना देना शुरू करो। पूरी चॉकलेट वॉकलेट की कहानी है, कैसे बनता है भाई, पेड़ पे उगता है चॉकलेट। पर अगर चॉकलेट पेड़ पे उगता है मतलब वो तो बहुत ही हेल्दी होता होगा। यस, और बनाओ भाई और बनाओ, अच्छे से बनाओ। स्मेल आ रही है, फ्री खाने की स्मेल आ रही है। पूरा का पूरा फाउंटेन, चम्मचे रखी हुई है यहाँ पे। पता कैसा है, पता कैसा है, बेस्ट है। डार्क चॉकलेट खाए पहले, चाटना अब नहीं तुझे लग रहा जी, इसको खाने से कोई रोकने नहीं वाला, और 10 बार खा सकता है। अबे ओए हाथी, अबे ओए मोटू, अबे ओए भोंदू, कितना खाता है, अबे खाका के मोटा हुआ जा रहा भाई। अभी और है और ये नीचे बस हाथ रखना और चॉकलेट आ रहा है। कितना भी खाए फूका ही रहता है। टिकट का पैसा वसूलना है कि नहीं, और शर्म आ रही, अब शर्म आ रही, मुझे लगा था अभी हो गया, पर यार और टेस्ट करवाएंगे। कितना भी हाँ, कितना भी अपनी डाइट, मोटापे, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल की अगर मारनी है तो यहाँ जरूर आना गाइस। अरे यहीं से बनता है भाई, यहीं से बनता है पूरा। हमने तो फ्रेशेस्ट खाया। अब बोल रहे हैं कि भाई आपने ट्राई कर लिया, अब यहाँ से खरीद लो, जो पसंद आए वो खरीदो, मुझे क्या जरूरत है। ओ भाई तू वहाँ खड़े हो जा, बेच दे इसको। भाई ये दोनों इनकॉग्निटो में भी चॉकलेट वीडियो से सर्च करते हैं। भाई इसके पैसे लगते हैं, ये शॉप है। चॉकलेट खा खा के इतने लोग पाद रहना यहाँ पे, मतलब इतनी अच्छी चॉकलेट की खुशबू आ रही होती है, बीच में एकदम नमकीन सा कुछ गंद। यहाँ और फ्री ट्राई करवा रहा है। मेहंदी क्यों लगा रही है, कुछ भी लिखवा सकते हैं। ओ आइडिया गाइस, यहाँ मैंने दे दिया ऑर्डर इस बंदे को, बिल्कुल अभी भी चॉकलेट फाउंटेन घूर रहा है गवार। अब इसको मिलेगा गिफ्ट। तूने कुछ खरीदा नहीं तो मैंने सोचा तेरे लिए एक पूरा का पूरा बार दूं, इतना बड़ा वाला सिर्फ तेरे लिए। ये ले। लिखा क्या है, अबू धाबी लव्स हक। क्या ये हार सी भी। अरे 3000 का है वो, मत रख ऐसे। 3000 में तूने ये लिखवाया, मेरा करेक्ट नाम भी लिखवा देती। और हार सी भी क्या है भाई, मुंबई के ऊपर है, और डेकोरेट भी किया ऊपर से, ये देखो भाई फूल पत्तियां। इनको लगा तू कोई अच्छा मैसेज दे रही भाई, तो इसको डेकोरेट करते, मोटिवेशनल टूटता है क्या। नहीं नहीं नहीं, तोड़ दिया। नहीं मत कर मत कर मत कर मत कर मत, मेरे पैसे लगे। फिर हम चले गए घर। डिस्क्रिप्शन में हेड आउट का कोड देखना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो वरना मैंने जो तुम लोगों के लिए स्विस चॉकलेट लाया है ना, वो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। और लाइक कर दो, बाय बाय। अबे मुंबई एयरपोर्ट पे भी सेम मिल रहा है, क्या फायदा हुआ। बाय बाय, सेम ठरकी आदमी।